अगर तुम वर्कआउट नॉर्मल भी करोगे लेकिन अपनी डाइट को अच्छा रखोगे, अपने खाने में न्यूट्रिशन को बना के रखोगे, तो तुम्हारी मसल गेन अपने आप ही होना शुरू हो जाएगी। और ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं कि खाना क्या चीज है। और इसीलिए आज मैं तुमको ऐसे बेहतरीन फूड्स बताने वाला हूँ कि अगर केवल एक महीने इन चीजों को खाने लगोगे तो तुम्हारी मसल गेन काफी तेजी से होने लगेगी। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले अपने फूड पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं डेट्स यानी खजूर। खजूर एक ऐसा फूड होता है जिसमें विटामिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसी के साथ में आपको खजूर में मिलता है मैग्नीशियम। जैसे हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में से हमारी जो मसल्स होती है उसमें से फाइबर्स मसल्स फाइबर ब्रेक होते हैं और जब वो रिपेयर होते हैं तभी हमारी बॉडी बन पाती है। तो अगर आप लोग खजूर खाते हो जिसमें बहुत ज्यादा मैग्नीशियम होता है वो आपकी बॉडी में जो मसल्स का जो फाइबर ब्रेक हुआ है उसको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आप कम से कम समय में अपनी मसल्स को बड़ा बना सकते हो। उसी के साथ में खजूर में होता है आयरन और आप सभी को पता है कि अगर आप अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आयरन की मात्रा का होना आपके शरीर में बहुत जरूरी है। तो खजूर को खा के आप अपने शरीर में आयरन को भी बढ़ा सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी मसल्स को कर सकते हैं। आप लोगों को कब कब खजूर खाना है मैं ये भी बता दूं, जब आप लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो उससे 30 मिनट्स पहले अगर आप लोग 2 से 3 खजूर खाते हो तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद है और एक्सरसाइज करने के बाद भी आप 2 से 3 खजूर खा सकते हो, आपके शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं अपने दूसरे फूड पे जो कि बहुत ही अच्छा फूड है जिसे हम बोलते हैं सोयाबीन या सोयाबीन चंक्स भी आप लोग खा सकते हो। सोयाबीन चंक्स में मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छा फूड है, ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन वाला फूड है। उसके साथ में सोयाबीन में आपको या सोयाबीन चंक में आपको हाई फाइबर मिलता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप अपना डाइजेशन अच्छा रखना चाहते हो, आप जो भी खाओ आपके शरीर में लगे, तो इसके लिए आपके शरीर में फाइबर का जाना बहुत जरूरी है और सोयाबीन में हाई फाइबर होता है। उसी के साथ में सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप लोग केवल 100 ग्राम सोयाबीन खाते हो तो आप लोगों को लगभग यहां पर 50 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। तो आप लोग डेली कम से कम 100 ग्राम सोयाबीन खाओ, यह आपकी बॉडी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जब आप लोग एक्सरसाइज कर लो उसके बाद आप लोग 10 मिनट के बाद 100 ग्राम अगर सोयाबीन खाते हो या फिर सोयाबीन चंक खाते हो तो आपकी बॉडी काफी तेजी से ग्रो होगी, आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फूड नंबर 3 की जो कि है चना। देखिए चने को तो हम सभी जानते हैं, चना एक ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। तो चना आप लोग जरूर खाया करो, आप लोग अंकुरित चना खा सकते हो या अगर अंकुरित नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग नॉर्मल चना भी खा सकते हो, आप लोग भुना हुआ चना खा सकते हो, चने की दाल को भी आप लोग खा सकते हो। तो इन सभी में आपको हाई प्रोटीन मिलता है और फाइबर जो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, तो उसके साथ में कोई भी चीज खाओगे तो आपके शरीर में वो काफी तेजी से लगेगी और मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है। इन फूड्स के साथ साथ शिलाजीत इस्तेमाल करो। अगर तुमको अपने शरीर में असली ताकत चाहिए, केवल इतना सा शिलाजीत रोज इस्तेमाल करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 2 गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा शिलाजीत यूज किया जाए। मेरी मानो तो आप लोग फ्लाइट का शुद्ध शिलाजीत गोल्ड इस्तेमाल करो। इसमें आपको शिलाजीत के साथ साथ अश्वगंधा मिलता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है और मसल मास को बढ़ाता है। सफेद म्यूसली मिलता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करता है। गोक्सुरा मिलता है जो आपके एंड्योरेंस लेवल और वाइटालिटी को इंप्रूव करता है। इंडिया में सभी को आजकल ना फटीग सिंड्रोम हो रहा है, मतलब सभी हमेशा थके से रहते हैं और इसी चीज को दूर करने के लिए इस शिलाजीत में आप लोग को स्वर्ण भस्म मिलता है जो आपके शरीर से थकान को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपके शरीर में एनर्जी भर देगा। ये शिलाजीत मैन हो या वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, उसके साथ में आपकी स्किन क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है और आपके हार्मोनल इंबैलेंस को भी ठीक करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसमें दिए गए चम्मच से आपको मटर के दाने के बराबर शिलाजीत लेना है और आप इसे पानी या फिर दूध दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से ही आप इसका डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। फाइटिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड काफी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको मार्केट में कोई भी शिलाजीत नहीं मिलेगा जिसमें आपको गोल्ड रेजिन और सिल्वर रेजिन साथ में मिले। अब सिल्वर रेजिन इस शिलाजीत में होने का एक और फायदा है कि ये कूलिंग इफेक्ट देता है, जिस वजह से इस शिलाजीत को हम गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे मसल बिल्डिंग करनी हो,
टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना हो या आपको स्ट्रेस फ्री और एनर्जेटिक बनाना हो, इन सभी में ये आपकी मदद करेगा। फाइटिका शुद्ध शिलाजीत गोल्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर के फूड पे, जो कि हमारे लिए सुपर फूड है, जो कि है एग्स यानी अंडे, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं, पूरा एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर मैंने, आप लोग को आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उस वीडियो को एक बार जरूर आप लोग चेक कर लेना। उस वीडियो में मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया है कि अंडा खाने से आपको क्या क्या चीजें मिलती है। अंडे में हर तरह का आपको विटामिन मिल जाएगा, प्रोटीन की मात्रा तो होती ही है ज्यादा, और आपकी बॉडी के लिए जो जरूरी है, आपकी मसल्स को ग्रो करने के लिए जो चीज जरूरी है, वो सभी चीज आपको अंडे में मिल जाएगी। आई बटन में वीडियो एक बार जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसको देख लेना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फूड पर, जिसे बोलते हैं मूंगफली यानी पीनट्स। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली एक ऐसा फूड होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। मूंगफली में आपको मिलता है विटामिन ई, उसके साथ में जो मूंगफली खाने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके शरीर से कम होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है और आप अपनी मसल्स को ग्रो करना चाहते हो, फैट को कम करना चाहते हो, तो आपके लिए मूंगफली बहुत अच्छी हो सकती है। और मूंगफली खाने का समय भी मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे तो मूंगफली खाने का सबसे अच्छा समय होता है प्री वर्कआउट, मतलब जब आप लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप लोग थोड़ी सी मूंगफली खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको एक्सरसाइज करते हुए एनर्जी भी मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं अगले फूड की, जो कि बॉडी बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इसे बोलते हैं बनाना यानी केला। बनाना में आप लोगों को मिलता है गुड कार्बोहाइड्रेट, जो आपके शरीर को एनर्जी देता रहता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो अगर आप लोग बनाना खाना चाहते हो तो प्री वर्कआउट मील में यानी एक्सरसाइज करने से अगर आप लोग 25 से 30 मिनट पहले बनाना खाते हो, तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, भारी भारी वेट उठा पाओगे और एक्सरसाइज करने में भी आपको इजी पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अगले फूड की, जो कि है मूंग दाल। आप लोगों के घर में मूंग दाल बनती होगी, लेकिन उसके फायदे आप लोगों को शायद नहीं पता होंगे। मैं आपको बता दूं, मूंग दाल में आपको मिलता है विटामिन सी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अगर आप लोग बीमार पड़ते रहते हो, खांसी जुकाम ये सब चीजें होती हैं, तो अगर मूंग दाल खाना शुरू कर दोगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। उसके साथ में मूंग दाल में होता है 23 ग्राम प्रोटीन, तो मूंग दाल आप लोग वर्कआउट करने के बाद खा सकते हो, पोस्ट वर्कआउट में आप लोग 23 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा 100 ग्राम मूंग दाल से। उसके बाद में हम बात करेंगे अपने अगले फूड की, जो कि है बादाम यानी आमंड्स। देखिए आमंड्स एक ऐसा फूड होता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है तो आपके ब्रेन का भी स्ट्रांग होना, आपके ब्रेन का चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमारी ब्रेन की वजह से ही काम करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया या HGH हार्मोन हो गया। जब हमारा ब्रेन सही से काम करेगा तो ये हॉर्मोन्स भी सही से काम करेंगे और हमारी बॉडी बनाने में मदद करेंगे। बादाम में आप लोगों को मिलता है अनसैचुरेटेड फैट, जो कि आपकी स्लीप यानी आपकी नींद को इंप्रूव करता है। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने फाइबर्स को तोड़ते हैं, अपनी मसल्स को तोड़ते हैं, और जब हम सोते हैं तो हमारी मसल्स रिपेयर होती हैं। तो अगर आप लोग केवल 4 बादाम जो कि आपने रात में भिगोए हुए हों और सुबह अगर आप उसको खाते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी बनाने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों ये जितने भी फूड्स मैंने आपको बताए, इन सभी को खा के आपकी बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।